बीते दिनों नहाने के बहाने शिवनाथ नदी पहुंचे चार बालकों में से एक तुषार साहू के लापता हो जाने से 26 घंटे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद छाताघाट रेलवे क्रॉसिंग के पास से जवानों को बच्चे का शव मिला। वहीं पूरे घटनाक्रम में एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर न्यूज टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया। देखते हैं खास रिपोर्ट दुर्ग से। हम सिनाब नदी के उफनते पानी के बीच तैर रहे हैं और जो कल से लापता हुए तुषार साहू, जिसकी खोज के लिए एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे जो यहाँ की टीम के जो मेजर हैं उनसे कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उसको लेकर किस तरह से बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जी सर, बताएं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है और क्या तलाश जब तक जारी है। सर, अब हम लोग अब यही है, तेज बहाव है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर बाड़ी कहीं उफल गया होगा, अगर ऊपर आ गया होगा कि 24 घंटे वैसे प्राय निकल जाते हैं, बाड़ी ऊपर आ जाते हैं, तो हमको उसी आधार पर हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम, दोनों टीम करीबन 5 बोर्ड है और गोताखोर अपने पास में 12-13 जन हैं। तो जैसे कि अपन बच्चे की बॉडी किसी जगह फंसी होने की बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की संभावना है? अब इसको अंदर की बात है, वो अंदर में तो बहुत ज़्यादा घास है ना, अब घास में हो सकता है वहाँ पत्थर वगैरह भी है, राड वगैरह बता रहे थे हमारे जो गोताखोर कल घुसे थे अंदर, बता रहे थे कि अंदर राड वाड पत्थर वत्थर है तो उसमें फंस भी सकता है, या फिर अंदर अंदर जो बाड़ी बह भी सकता है। इसमें हम लोग निश्चित नहीं बता सकते कि इसमें क्या अंदर दबा है या बह गया है। आगे अपन किस तरह का इसमें निर्णय लेंगे कि उसकी तलाश कर पूरी जानकारी। सर, अब ऐसा अब इसमें कोई निर्णय तो हम लोग नहीं ले सकते, अब प्रयास कर रहे हैं। कल से हम लोग 10 बजे से लगे हैं लगातार हम लोग, और आज सुबह भी हम लोग आ गए थे 5 बजे, तब से ढूंढ मतलब रेस्क्यू कर रहे हैं। जैसे कि तुषार साहू के परिवार वाले और एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार इसी प्रयास में है कि कैसे भी करके वो लापता हुए बच्चे की शव जो अगर मृत हो चुकी है तो मिल सके, और उसके साथ ही नदी का जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है उसको देखकर काफ़ी लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी गाँव के आखिरी छोर तक इसकी तलाश की जा रही है। अब देखना यह है कि इनको कब तक कामयाबी मिल पाती है। जैसा कि अभी तक जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे बालक बच्चे को ढूंढने के लिए, तुषार कपूर को ढूंढने के लिए, उसमें एनडीआरएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। छातागढ़ जो रेलवे क्रॉसिंग के पास टीम को वो बच्चे मिला है, जिसको लेकर ये अपने साथ अभी आप देख सकते हैं सामने जो लेकर जा रहे हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। बड़े ही खुशी की बात है कि जिस तरह से बच्चे के परिवार वाले और एनडीआरएफ के लोग परेशान थे बॉडी को लेकर, वो आज इनको हासिल हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इतनी कम समय में इनको ये कामयाबी हासिल हुई। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।